हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एस पी सी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मई महीने की प्रतियोगिता दर्पण की समरी नोट्स को डिस्कस करूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी की आगामी प्रीलिम्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा मंथली वाइज प्रतियोगिता दर्पण की शॉर्ट नोट्स को डिस्कस किया जा रहा है। जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल महीने की प्रतियोगिता दर्पण शॉर्ट नोट्स का वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मई महीने की प्रतियोगिता दर्पण की शॉर्ट नोट्स को डिस्कस करूंगा। आइए बिना किसी देर के हम लोग डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। पहला पॉइंट है, पहला दिव्य कला मेला का आयोजन कब और कहां किया गया। देखिए, पहला दिव्य कला मेला का जो आयोजन है वह नई दिल्ली में 2-7 दिसंबर 2022 को किया गया है। अभी तक इसे दिल्ली, मुंबई एवं भोपाल में आयोजित किया जा चुका है। मार्च 2023 में इसका आयोजन भोपाल में और दिसंबर 2022 में इसका आयोजन हुआ नई दिल्ली में। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पहला दिव्य कला मेला पूछा जाए तो पहला दिव्य कला मेला का आयोजन 2-7 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में हुआ और इसके पश्चात मार्च 2023 में दिव्य कला मेला का आयोजन भोपाल में किया गया। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला है, चुनाव आयोग की एक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन को लेकर। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय कमेटी के द्वारा की जाएगी। ये जो 3 सदस्यीय कमेटी होगी, इसमें कौन कौन सदस्य शामिल होंगे, तो पहला प्रधानमंत्री शामिल होंगे, दूसरा विपक्ष का नेता या सबसे बड़ा दल का नेता और तीसरा मुख्य न्यायाधीश। इन तीनों का मिलकर जो एक कोलोजियम बनेगी, इस कोलोजियम के माध्यम से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भारत में की जाएगी। यह सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए टिप्पणी के अनुसार या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले के अनुसार चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हेतु गठित कोलोजियम में कौन कौन सदस्य शामिल होंगे, तो आपको इन तीनों सदस्यों का नाम याद रखना होगा, प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यह जो निर्णय है वह किसके द्वारा दिया गया है, यह निर्णय 5 सदस्यीय संविधान पीठ के द्वारा दिया गया है। इस संविधान पीठ में जो अध्यक्षता कर रहे थे वह न्यायमूर्ति के एम जोसेफ इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा 5 सदस्य में तो एक अध्यक्ष हो गए न्यायमूर्ति के एम जोसेफ, 4 अन्य सदस्यों में अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, हृषिकेश रॉय और सी टी रवि कुमार शामिल थे। ये 4 अन्य जजेज थे और एक न्यायमूर्ति के एम जोसेफ, इनकी खंडपीठ जो थी वह अध्यक्षता कर रही थी। तो किसके निर्णय, किस जस्टिस के द्वारा यह निर्णय दिया गया, आप लोग इसका नाम याद रखें और कोलोजियम में कौन कौन सदस्य होंगे आप लोग उसका नाम याद रखें। अगला आइए, वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या जो है वह 34 है। 34 में एक CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 33 अदर जस्टिस है, मतलब अन्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। वर्तमान समय में देश में कुल 25 हाई कोर्ट है, 25 उच्च न्यायालय हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है, आप क्या बताएंगे, 34। अगला है, हाल ही में राजस्थान में 19 नए जिले का गठन किया गया है। ये 19 नए जिले के गठन के साथ ही राजस्थान कुल 50 जिले राजस्थान में हो गए हैं, ठीक है, यानी कि पहले से 31 जिले थे, इसमें 19 नए जिले ऐड हुए, तो राजस्थान में टोटल जिलों की संख्या कितनी हो गई, 50। अगर सर्वाधिक जिले वाले राज्य को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो जिले हैं वह उत्तर प्रदेश में, सर्वाधिक संख्या में जिले कितने, 75। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश आता है, वहाँ पर कितने जिले हैं, 52। और तीसरे नंबर पर राजस्थान, कितने जिले हैं, 50। यहाँ पर ऐसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस राज्य में 19 नए जिलों का गठन किया गया, तो क्या बताइएगा आप लोग, राजस्थान। सर्वाधिक जिलों वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश 25 डिस्ट्रिक्ट के साथ, और राजस्थान 50 डिस्ट्रिक्ट के साथ तीसरे नंबर पे। अगला, इटली के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा। इटली के प्रधानमंत्री आप लोग जानते होंगे बहुत हाइलाइटेड रहा है, और चूंकि इटली के प्रधानमंत्री ही हमारे यहाँ इस वर्ष के रायसीना डायलॉग के चीफ गेस्ट रहे हैं,
रायसीना डायलॉग के चीफ गेस्ट रहे हैं इटली के प्रधानमंत्री। इटली के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? जॉर्जिया मेलोनी इटली के प्रधानमंत्री का नाम है, ठीक है। 2 से 3 मार्च 2023 को भारत की यात्रा पर आए थे। 8वां रायसीना डायलॉग की चीफ गेस्ट थी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। भारत की यात्रा के दौरान भारत इटली स्टार्टअप ब्रिज की भी घोषणा की गई है। अगला है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा 8 से 11 मार्च 2023 को संपन्न हुई है। वर्तमान समय में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बानिस हैं। 4 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में समझौता किए गए हैं, खेल, इनोवेशन, ऑडियो विजुअल तथा सौर क्षेत्र। आपसे ऐसे पूछा जा सकता है, विभिन्न देशों की जो विदेश से जो आते हैं यहाँ पर चीफ गेस्ट, उससे प्रश्न पूछा जा सकता है, वर्ष 2023 में किस विदेशी नेता की पहली यात्रा, वर्ष 2023 में भारत में पहली यात्रा किस विदेशी नेता की हुई है, या फिर आप उसे क्रमवार तरीके से सजाने के लिए आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको डेट याद रखना होगा कि इटली के जो प्रधानमंत्री है उनकी यात्रा कब हुई, 2 से 3 मार्च को। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं उनकी यात्रा कब हुई, 8 से 11 मार्च को। तो ऐसे आपको क्रम याद रखना होगा। बदलते ट्रेंड के अनुसार बीपीएससी इस प्रकार के भी प्रश्न प्रीलिम्स में पूछ सकती है। अगला है जापान के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा। कौन है जापान के प्रधानमंत्री? फुमियो किशिदा। इनकी भारत यात्रा कब संपन्न हुई? 21 मार्च 2023 को। जापान के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वर्ष की G7 की बैठक की अध्यक्षता जापान के द्वारा किया गया है, और जापान में आयोजित G7 बैठक में भाग लेने के लिए भारत के प्रधानमंत्री भी जापान की यात्रा कर चुके हैं। अगला, भारत मध्य एशिया समूह के अफगानिस्तान पर कार्यदल की पहली बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई है। हाल ही में किस देश की महत्वाकांक्षी H-3 रॉकेट का प्रक्षेपण विफल हो गया है? तो यह है जापान। अगला है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023। देखिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स यानी कि विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी की जाती है? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा इसे जारी किया जाता है। भारत का स्थान 146 देशों की सूची में 136वां स्थान भारत ने प्राप्त किया। अगर स्कोर पूछा जाए कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत का स्कोर क्या रहा, तो स्कोर आप लोग क्या बताएंगे? 3.819। अगर रैंक पूछा जाए तो 146 देशों की सूची में 136वां स्थान भारत ने प्राप्त किया है। पहला स्थान फिनलैंड ने प्राप्त किया और आखिरी 146वां स्थान अफगानिस्तान ने प्राप्त किया है। अब एक और प्रश्न यहाँ पे बन सकते हैं कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स किसके आधार पर जारी की जाती है, आखिर उसके मानक क्या क्या हैं? तो इसके 6 प्रमुख मानक हैं, जिनमें पहला प्रति व्यक्ति GDP, दूसरा सोशल सपोर्ट सामाजिक सहयोग, तीसरा हेल्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी जीवन संभाव्यता कितने वर्ष जीवन जीने की उम्र, उदारता, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइस और भ्रष्टाचार। ये 6 मानक हैं। इन 6 मानक के आधार पर प्रतिवर्ष यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के माध्यम से प्रतिवर्ष विश्व प्रसन्नता सूचकांक जारी की जाती है। वर्ष 2023 में भारत ने 146 देशों की सूची में 136वां स्थान प्राप्त किया, जिसका कुल स्कोर 3.819 रहा। पहला स्थान फिनलैंड को और अंतिम यानी कि 146वां स्थान अफगानिस्तान को मिला। अगला आते हैं सिप्री की रिपोर्ट। देखिए, सारे कंटेंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप लोग अगर इसे अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो प्रतियोगिता दर्पण आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि प्रतियोगिता दर्पण के हर एक महत्वपूर्ण पॉइंट्स को मैं यहाँ पर लिखकर आपके साथ डिस्कस कर दे रहा हूँ। अगला है सिप्री की रिपोर्ट। देखिए, जो सिप्री की रिपोर्ट आई है उसके अंतर्गत वर्ष 2013-17 की तुलना में 2018-22 की 5 वर्षों की अवधि में हथियार के आयात में गिरावट आई है। कितने प्रतिशत की? 11% की गिरावट आई है। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये 2 फैक्ट्स हैं। पहला, विश्व के प्रमुख आयातक देश कौन कौन से हैं, यानी कि विश्व का कौन सा ऐसा देश है जो दूसरे देशों से सर्वाधिक मात्रा में हथियारों का आयात करता है। उनमें पहला स्थान पर 11% के साथ पहला स्थान पर भारत स्थित है। दूसरा नंबर है सऊदी अरब का और तीसरा नंबर है कतर का, यानी कि टॉप 3 कंट्री हैं जो कि सर्वाधिक मात्रा में दूसरे देशों से हथियारों का आयात करते हैं। अब अगर निर्यातक देशों की सूची देखा जाए जो दूसरे देशों को हथियार निर्यात करते हैं, उनमें अमेरिका, रशिया, फ्रांस ये टॉप 3 कंट्री
यहाँ पर हैं, ठीक है। हथियार आयात करने में पाकिस्तान का 8वां स्थान है, यानी कि पहले नंबर पे भारत, दूसरे नंबर पे सऊदी, तीसरे नंबर पे कतर, ऐसे ही करने में 8वां स्थान जो आएगा वह पाकिस्तान का है। अगर भारत देखा जाए, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि भारत जो है सर्वाधिक संख्या में हथियारों का आयात करता है, तो प्रश्न उठता है कि आखिर भारत किन देशों से सबसे ज़्यादा हथियारों का आयात करता है। उनमें सर्वाधिक हथियारों का आयात रूस से होता है, कुल हथियार का 45%, यानी कि लगभग आधा से थोड़ा सा कम जो है वो हम लोग रूस से आयात करते हैं। दूसरे नंबर पर फ्रांस का स्थान है 29%, और तीसरे नंबर पे 11% हथियार जो है वह अमेरिका से होता है। यानी कि टॉप 3 कंट्री हैं जहाँ से हमारा देश जो है वह हथियारों का आयात करता है। तो सिप्री की रिपोर्ट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखेंगे। विगत 5 वर्षों के दौरान हथियारों की आयात में 11% की गिरावट देखने को मिली है। अगला है भारत की नई विदेश व्यापार नीति 2023। आप सभी जानते हैं कि पीयूष गोयल के द्वारा नई विदेश व्यापार नीति 2023 को जारी की गई। कब जारी की गई है? 31 मार्च 2023 को यह रिपोर्ट जारी की गई है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ पर पॉइंट। आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामलों तथा खाद्य व सार्वजनिक वितरण तथा वस्त्र मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा भारत के नई विदेश व्यापार नीति 2023 को किस तारीख को जारी किया गया, क्या बताएंगे आप लोग? 31 मार्च को जारी किया गया है। इसका सर्वप्रमुख लक्ष्य है 2030 ईस्वी तक वार्षिक निर्यात को $2 ट्रिलियन करना। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है यह टारगेट। कब जारी किया गया, इसका टारगेट क्या है, किस मंत्री के द्वारा जारी किया गया, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला है ई कॉमर्स निर्यात की दक्षता 2030 तक 200 से 300 अरब डॉलर का अनुमान लगाया गया है। भारतीय करेंसी को ग्लोबल बनाने का लक्ष्य रखा गया है नई विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत। तो यहां पर जो हमने पॉइंट डिस्कस किया वो आगामी प्रीलिम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला आइए, भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन। देखिए, हाल ही में जब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा संपन्न हुई थी, तो उस दौरान भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया है। इसकी जो लंबाई है वह 131.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। दोनों देशों की पहली क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइन है। क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइन यानी कि बॉर्डर के बाहर पाइपलाइन की आवागमन की सुविधा विकसित करने वाला यह पहला पाइपलाइन बना है, भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन, जिसकी लंबाई 131.5 किलोमीटर है। यह असम स्थित नुमालुगढ़ रिफाइनरीज लिमिटेड के बंगाल स्थित विपणन टर्मिनल से बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के पर्वतीपुर डिपो तक यह संचालित होगी। इसके माध्यम से 10 लाख टन हाई स्पीड डीजल की वार्षिक आपूर्ति की जाएगी। कितनी वार्षिक आपूर्ति की जाएगी? 10 लाख टन हाई स्पीड डीजल की वार्षिक आपूर्ति इसके माध्यम से की जाएगी। यह पाइपलाइन भारत व उसके पड़ोसी देशों के बीच दूसरी सीमा पार ऊर्जा पाइपलाइन है। ऐसी पहली पाइपलाइन भारत व नेपाल के मध्य प्रारंभ की जा चुकी थी, ठीक है। यानी कि भारत व बांग्लादेश के बीच पहला है, लेकिन इसके पहले भारत और नेपाल के बीच भी सीमा पार ऊर्जा पाइपलाइन स्थापित की जा चुकी है। भारत और नेपाल के बीच मोतिहारी से अमलेखगंज के मध्य स्थित है। तो भारत और नेपाल के मध्य पहला सीमा पार ऊर्जा पाइपलाइन और भारत और बांग्लादेश के मध्य हाल में प्रारंभ किया गया, वह इन दोनों देशों के बीच पहला और भारत का कुल सीमा पार ऊर्जा परियोजना में दूसरा स्थान है, जिसकी लंबाई 131.5 किलोमीटर है। आप लंबाई को भी याद रखेंगे। अगला है महत्वपूर्ण नियुक्तियां, महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट्स कौन कौन से हुई है। साहित्य अकादमी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? माधव कौशिक साहित्य अकादमी के नए अध्यक्ष बने हैं। भारत में यूएसए के नए राजदूत, भारत में अमेरिका के नए राजदूत किसे बनाया गया? एरिक गारसोटी को बनाया गया है। ब्रिक्स बैंक की नई अध्यक्ष, ब्रिक्स बैंक जिसमें 5 कंट्री शामिल हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इसकी नई अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ब्राज़ील के पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ को नया अध्यक्ष बनाया गया है। अगला, एसएसबी सशस्त्र सीमा बल की नई महानिदेशक रश्मि शुक्ला को बनाया गया है। रश्मि शुक्ला एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल की नई महानिदेशक बनी है। अगला, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह को भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख बनाया गया है। ये 5 नियुक्तियाँ जो हैं वह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
अगला है अवार्ड, अवार्ड में ऑस्कर अवार्ड, कैमा ऑस्कर अवार्ड 95th 95वां ऑस्कर अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया फिल्म द वेल के एक्टर ब्रेंडन फ्रेजर को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस की अभिनेत्री मिशेल योह को, सर्वश्रेष्ठ निदेशक यानी कि डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है डेनियल क्वान प्लस डेनियल सिनइर्ट को। इनकी फिल्म कौन सी है? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, यानी कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ निदेशक, ये तीनों जो हैं वह एवरीथिंग एवरी एवरीवेयर ऑल एट वंस मूवी से संबंधित हैं, लेकिन जो अभिनेता हैं ब्रेंडन फ्रेजर उनकी फिल्म अलग है, उनकी फिल्म का नाम है द वेल, आप लोग इसे याद रखिएगा। अब देखते हैं भारत को इस बार ऑस्कर अवार्ड में क्या क्या भारत को प्राप्त हुए हैं। इनमें सर्वश्रेष्ठ मूल गीत तेलुगु फिल्म आरआरआर के गीत नाटू नाटू के गीतकार चंद्रबोस व संगीतकार एमएम करावाणी को प्राप्त हुआ, आप लोग इसका नाम सुने अवश्य होंगे। सर्वश्रेष्ठ लघु डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड तमिल फिल्म है, तमिल डॉक्यूमेंट्री है द एलिफेंट विस्पर्स को प्रदान किया गया है, यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण। ऑस्कर अवार्ड में जिन भारतीयों को प्राप्त हुआ एक मूल गीत के लिए और लघु डॉक्यूमेंट्री के लिए, ये दोनों काफ़ी ज़्यादा एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है। पहली बार कोई ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली भारतीय भानु अथैया थी, यानी कि भारत की को ऐसे पूछा जा सकता है कि ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय कौन थी? भानु अथैया, जिन्हें किस फिल्म के लिए? फिल्म गांधी में कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए यह पुरस्कार 1983 में प्रदान किया गया था। और इसके बाद आप देखेंगे कि इस वर्ष भी लघु डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड दिया गया है तमिल डॉक्यूमेंट्री को, और सर्वश्रेष्ठ मूल गीत में आरआरआर के नाटू नाटू के गीतकार एमएम करावाणी को, संगीतकार को प्रदान किया गया है, तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला है कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड हैं, जैसे गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड, गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड शक्तिकांत दास को प्रदान किया गया है। बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर, बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर मनसुख मंडाविया को दिया गया है। 2023 का पृथ्वीधर पुरस्कार, पृथ्वीधर पुरस्कार जो है वह वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। 2023 का पृथ्वीधर पुरस्कार डेविड एलान चिपरफील्ड को प्रदान किया गया है, और 2023 का एबेल पुरस्कार जो कि गणित के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है प्रोफेसर लुईस को प्रदान किया गया है। ये दोनों जो अवार्ड हैं काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। गवर्नर ऑफ द ईयर किसे मिला? शक्तिकांत दास को। बिजनेस ऑफ द ईयर किसे मिला? मनसुख मंडाविया को। 2023 का पृथ्वीधर पुरस्कार किसे मिला? डेविड एलान चिपरफील्ड को। और एवेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? प्रोफेसर लुईस को। ये सब हर एक जो यहाँ पर पॉइंट डिस्कस किया गया है वो आपकी जुबान पर होनी चाहिए, एक भी फैक्ट्स आपको भूलना नहीं है, बार बार इसे देखकर आप लोग इसे याद कर लें। अगला इंपॉर्टेंट बुक्स, नेवर नेवर बुक्स किसने लिखी? कॉलिन होवर। मिराकल मेकर्स इंडियन क्रिकेटर्स ग्रेटेस्ट इपिक नामक पुस्तक किसने लिखा? भारत सुंदर सेन व गौरव जोशी। देखिए इतना बड़ा बुक बीपीएससी पूछता नहीं है, ठीक है, अगर कीवर्ड आपको याद करना है तो मिराकल मेकर्स इतना के नाम से आप लोग याद कर सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला है सम्मेलन, महत्वपूर्ण सम्मेलन जो मई महीने के प्रतियोगिता दर्पण में अंकित है वह छठा बिम्स्टेक समिट। छठा बिम्स्टेक समिट का आयोजन थाईलैंड में किया गया है, काफ़ी ज़्यादा यह महत्वपूर्ण है। अगला कुछ और महोत्सव हैं जिसका आयोजन देश के अंतर्गत किया गया है, जिनमें ताज महोत्सव, ताज कहाँ पर है? ताजमहल आगरा में, तो ताज महोत्सव का आयोजन आगरा में किया गया। सूरज कुंड क्राफ्ट मेला, सूरज कुंड जो मेला है वह प्रतिवर्ष हरियाणा में आयोजित किया जाता है, तो आप प्रति एक दो वर्ष से अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे होंगे तो आपने पढ़ा होगा, 68वीं में भी आपने पढ़ा होगा सूरज कुंड मेला का आयोजन हरियाणा, तो यह भी हरियाणा में इस वर्ष भी। अगला अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 है, उसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया जा रहा है, यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला कुछ युद्धाभ्यास को हम लोग देख लेते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज को देख ले रहे हैं। इनमें पहला है ट्रॉपेक्स, ट्रॉपेक्स युद्धाभ्यास जो है वह वायुसेना, थल सेना, नौसेना और तटरक्षक बल इसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है। दस्तलीक, आप लोग जानते होंगे दस्तलीक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। धर्म गार्जियन, ये भी आप लोग जानते होंगे धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास भारत और जापान के बीच। एम्पिक्स युद्धाभ्यास जो है, एम्पीएक्स युद्धाभ्यास वह भारत और जापान की समुद्री सुरक्षा बल है, यह न्यू है, आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिएगा। MPX भारत और जापान की समुद्री सुरक्षा बल।
अगला है, भारतीय वायुसेना के इतिहास में पहली बार किसी लड़ाकू यूनिट की कमान एक महिला अधिकारी को दी गई, उस महिला अधिकारी का क्या नाम है? उस महिला अधिकारी का नाम सालिजा धामी है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला, भारत के 81वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? भारत के 81वां ग्रैंड मास्टर सयानतन दास को बनाया गया है। अगला है, अंतर संसदीय संघ IPU इंट्रा पार्लियामेंट्री यूनियन की 186वीं सभा 11 मार्च से 15 मार्च 2023 को कहां पर आयोजित की गई? तो बहरीन मनावा में इसका आयोजन किया गया है। अगला है, ग्लोबल मिलेट्स यानी कि श्री अन्न सम्मेलन का आयोजन 18 से 19 मार्च 2023 को किस देश में किया गया? तो इसका आयोजन भारत में किया गया। संयुक्त राष्ट्र वाटर कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन USA में न्यूयॉर्क में किया गया है, इसका आयोजन, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र वाटर कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन USA के न्यूयॉर्क में किया गया है। अगला, फीफा अध्यक्ष के लिए रवांडा के किगाली में 16 मार्च 2023 को संपन्न चुनाव में किसे निर्विरोध जीता चुना गया है? जियानी इन्फेंटिनो को निर्विरोध फीफा अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। कहां पर इसका चुनाव संपन्न हुआ? रवांडा के किगाली में संपन्न हुआ है। अगला है, हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर कहां के एक स्टेडियम का नाम रखा गया है? तो रायबरेली का हॉकी स्टेडियम का नाम हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर रखा गया है। अगला है, भारतीय खेल विभाग युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के द्वारा महिला एथलीटों को एक मंच प्रदान करने के लिए 10 मार्च से 31 मार्च तक किस कार्यक्रम का आयोजन किया गया? खेलो इंडिया 10 कदम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अगला पॉइंट है जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अवार्ड से संबंधित है। वर्ष 2022 के ब्यास सम्मान के लिए किस प्रख्यात लेखक के उपन्यास पागलखाना को मार्च 2023 में चुना गया है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ज्ञान चतुर्वेदी। तो इस प्रकार से दोस्तों, आज के इस वीडियो में मई महीना का जो प्रतियोगिता दर्पण है, मई 2023 का प्रतियोगिता दर्पण, वह पूरी तरीके से फिनिश हो गया है। इसमें आज के इस वीडियो में मई महीने से संबंधित राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिकी परिदृश्य खेलकूद नई अपॉइंटमेंट्स महत्वपूर्ण बुक्स युद्धाभ्यास हर एक पहलू का हमने डिस्कस कर लिया है और उम्मीद है कि 69वीं BPSC प्रीलिम्स की तैयारी में यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगी। इस यूट्यूब चैनल को अपने दोस्तों के साथ इसे अवश्य शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।